कभी कहा था मैंने आपसे कि हाँ हो सकता है कि इस मार्ग पर आपको थोड़ी देर लगे, प्रतीक्षा करवाते हैं भगवान, देर तक प्रतीक्षा कराते हैं, पर घबराना नहीं, एक एक सीढ़ी पर आप चढ़ोगे, आप देखना वो वस्तुतः प्रतीक्षा नहीं है, भक्ति जीव का श्रृंगार करती है, वो सजाती है, उस परम प्रियतम से मिलन हो उससे पहले भक्ति जीव का श्रृंगार करती है। आप श्रवण करोगे तो आपको कोई कोई भाव कोई संपत्ति प्राप्त होगी, कीर्तन करोगे तो कुछ और मिलेगा, श्रवण कीर्तन करोगे तो भगवत स्मरण होने लगेगा। और मैं कहता हूं जीव के सारे दुख केवल भगवत विस्मृति के कारण ही तो हैं, भगवान भूल गए हैं इसीलिए तो सारे दुख हैं। कह है हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति है जब तब सुमिरन भजन न होई। और श्रवण कीर्तन और स्मरण की तो सुदृढ़ नींव है जिस पर भाव का महल खड़ा होता है। सेवक जी ने इसी तीन का संकेत किया, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति। लेकिन प्रतीति कहा, प्रतीति माने इसका सामर्थ्य जानिए कि श्रवण कथन और स्मरण की महिमा क्या है। कह रहे श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति बीत काल सब जाइयो। भगवत स्मरण के साथ ही मल विक्षेप आवरण हटने लगेगा। मल विक्षेप आवरण जैसे ही हटेगा आपको प्रभु निकट अनुभव होंगे, अपने लगेंगे। और फिर श्री ठाकुर जी का स्वरूप भी ऐसा है, उनका स्वभाव भी ऐसा है, उनको देखकर उनको अपना बनाने की इच्छा होती है, उनको देखकर उनका हो जाने की इच्छा होती है। प्रभु का स्वरूप देखोगे तो प्रभु को अपना बनाने की इच्छा होगी। वो ध्यान से सुनना, जब आप प्रभु का स्वरूप देखोगे प्रभु को अपना बनाने की इच्छा हो। अरे संसार की साधारण सी सुंदर वस्तु देख लो तो मन होता है ना भाई, हमारे पास हो, सुंदर वस्तु हो, सुंदर व्यक्ति हो, देखो तो उसका सौंदर्य उसका रूप आकृष्ट करता है ना अपनी ओर। रूप का ही तो बल है यह संसार में सबसे बड़ा, रूप खींचता है अपनी ओर। साधारण सी सुंदर वस्तु उसमें ऐसा सामर्थ्य है कि एक बार आपका मन खींच लेती है, फिर ये तो त्रिभुवन सुंदर का रूप है। बहुत ही अधिक आसक्त थे रसखान किसी के रूप पर। और कहते हैं वैष्णवों के मुख से श्रीनाथ जी की वार्ता श्रवण की, उन वैष्णवों की वार्ता में कुछ ऐसा माधुर्य घुला हुआ था, वो सब भाव में डूबे श्रीनाथ जी की रूप माधुरी की चर्चा कर रहे थे। रसखान ने कहा भाई कौन है इतना सुंदर, आखिर कौन है? उनसे आकर पूछा तो एक वैष्णव उसमें विनोदी स्वभाव के थे, उन्होंने कहा नंदगांव के जो राजा है ना उनका लड़का है, उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया, बोले नंदगांव के राजा हैं, उनका लड़का है। फिर इतना सुंदर है? बोले अरे जितना सुंदर है वो तो हम बता ही नहीं सकते, कि जो कहा है तो बहुत थोड़ा है, इससे कहीं अधिक सुंदर है। रसखान ने कहा हमको दिखा सकते हो, हमको मिला सकते हो? तो उन्होंने कहा भाई राजा का लड़का है, मिलता तो उसी से है जिससे मिलना चाहता है। बोले फिर भी कोई खबर तो उसकी हमको दो, हम देखना चाहते हैं। एक वैष्णव के पास श्रीनाथ जी का चित्र था, रसखान को श्रीनाथ जी का चित्र दिखाया। अब क्या घटा ये तो श्रीनाथ जी जाने या रसखान जाने, रसखान रस की खान हो गए। कृष्ण ये शब्द कान में पड़ते ही क्या घटना घटती है? जागरण, चेतना जगती है। ये सोया जीव जो है ये मोह निद्रा से जगता है, जैसे कृष्ण कान में पड़ता है। कृष्ण का दर्शन करते ही दूसरी घटना घटती है, क्या? आकर्षण। कृष्ण शब्द कान में पड़ते ही जागरण होता है, कृष्ण का प्रथम दर्शन करते ही आकर्षण होता है, और कृष्ण का प्रथम अनुभव होते ही जीवात्मा का समर्पण होता है। पहले जागरण होता है, फिर आकर्षण होता है, फिर समर्पण होता है। ऐसा ही श्री कृष्ण करते हैं। तो जब प्रभु का स्वरूप जानोगे श्रवण कथन स्मरण करते करते, जब प्रभु का स्वरूप जानोगे तो इच्छा होगी इनको अपना बना ले। जब देखोगे ना प्रभु का रूप, इच्छा होगी भाई ये हमारे हो जाएं। और जब प्रभु का स्वभाव जानोगे तो इच्छा होगी भाई ये किसी के भी हो हम इनके हो जाएं, ये किसी के भी हो हम इनके हो जाएं।